नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी 14 न्यूज में। और मैं हूँ आपके साथ कुमार अब्बास। देखिए श्रावस्ती से बड़ी खबर। श्रावस्ती जनपद में बहराइच की तरफ से आ रही तेज रफ्तार में एक सवारियों से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे बस में बैठी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। वहीं बस में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसके बाद बस में फंसे लोगों को बस से बाहर निकाला गया। वहीं सबको निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर के बरुआ गांव के पास की है, जहां पर बहराइच की तरफ से जमुना को जा रही तेज रफ्तार में सवारियों से भरी एक अनियंत्रित बस पेड़ से टकराते हुए गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को किसी तरीके से पुलिस और ग्रामीणों ने बस से बाहर निकाला और फौरन जिला अस्पताल एम्बुलेंस की सहायता से भेजा, जहां पर उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं बचे हुए सवारियों को पुलिस बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। आज बहराइच से जमुना थाना क्षेत्र मल्लीपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस दरुहा गांव के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें दो महिलाएं घायल हो गई थी तथा एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। जो घायल महिलाएं थी उनको तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा सीएससी मल्लीपुर उनका इलाज कराया जा रहा है, और जो मृतका है उसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।